हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल अर्चना एकेडमी में। और आज जो हम वीडियो देख रहे हैं ये है स्टोन एज एमसीक्यूज हिस्ट्री के, एनसीईआरटी के रिलेटेड चैप्टर्स 1, 2 और 3 के, क्लास 6 के। तो क्लास 6 के जो फर्स्ट के 3 चैप्टर्स हैं वो स्टोन एज पर हैं, और उस पे बेस्ड मैंने ये एमसीक्यूज बनाए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं यूपीएससी, एसएससी, एफसीआई, DSSSB और बाकी के अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में भी आ चुके हैं, तो आप इसे। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द स्टडी ऑफ रिमेन्स ऑफ ह्यूमन लाइफ इन पास्ट इज़ नोन एज। पास्ट में ह्यूमन लाइफ की स्टडी को क्या बोला जाता है? फर्स्ट ऑप्शन एपिग्राफी, डेसरफरमेंट, आर्कियोलॉजी या न्यूमिस्मेटिक्स। तो हमारा आंसर है आर्कियोलॉजी। तो जब हम स्टडी करते हैं पास्ट लाइफ की तो उस प्रोसेस को बोलते हैं आर्कियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 2, रिटन रिकॉर्ड्स इंग्रेव्ड ऑन रॉक्स, केव वॉल्स और क्ले और कॉपर टैबलेट्स आर कॉल्ड। हमें जो भी पहले के रिकॉर्ड्स मिले हैं वो केव वॉल्स पे मिले हैं या किसी भी मेटल पर मिले हैं, लिखे हुए इंग्रेव्ड हैं वो मेटल्स पर, केव और क्ले पर। तो उस रिटन रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है? इंक्रिप्शंस, आर्टिफैक्ट्स, मॉन्यूमेंट्स या कॉइन्स। तो हमारा आंसर है इंस्क्रिप्शंस। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। नाउ क्वेश्चन 3, इन द 8th सेंचुरी CE बाणभट्ट रोट द 8th सेंचुरी CE में, कॉमन एरा में बाणभट्ट ने इनमें से क्या लिखा था? अर्थशास्त्र, रामायण, हर्षचरित्र या इंडिका। आंसर इज हर्षचरित्र। क्वेश्चन नंबर 4, द फेमस पैलियोलिथिक रॉक शेल्टर फाउंड इन इंडिया। इंडिया में जो सबसे फेमस रॉक शेल्टर मिला है वो कौन सा है? मुंबई, चेन्नई, सूरत, भीमबेटका। तो हमारा आंसर है भीमबेटका। तो भीमबेटका में रॉक शेल्टर मिला है, मतलब वहाँ पर रॉक्स के अंदर, गुफाओं के अंदर, डेंस के अंदर लोग रहते थे। द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस दैट चेंज द लाइफ ऑफ स्टोन मैन एज। कौन सी दो ऐसी इन्वेंशंस थी जिसने स्टोन मैन एज की लाइफ बिल्कुल चेंज कर दी? पेंट एंड टूल्स, टूल्स एंड वेपन्स, फायर एंड व्हील, वीट एंड बार्ली। तो हमारा आंसर है फायर एंड व्हील। 6th क्वेश्चन, नियोलिथिक मैन यूज्ड द व्हील। नियोलिथिक मैन ने व्हील कब यूज़ किया था? किस चीज़ के लिए यूज़ किया था? इन ट्रांसपोर्टेशन, इन पॉट मेकिंग, इन स्पिनिंग थ्रेड, पॉसिबली इन ऑल 3 प्रोसेस। तो हमारा आंसर है इन पॉट मेकिंग। तो व्हील का जो यूज़ हुआ था वो पहले ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं हुआ था, बल्कि पॉट मेकिंग, पॉट्स बनाने के लिए यूज़ किया गया था। द नियोलिथिक एज इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय। नियोलिथिक एज का जो मेन कैरेक्टर है वो क्या है? द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, द बिगनिंग ऑफ पॉटरी, इन्वेंशन ऑफ एक्सेल, ऑल द अबव। तो नियोलिथिक एज में सारी चीज़ें इकट्ठी हुई थी, ऑल ऑफ द अबव। बट कुछ टेक्स्ट हमें ये शो करते हैं कि नियोलिथिक एज स्टार्ट हुआ था फार्मिंग और हर्डिंग से, बट नियोलिथिक एज के ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब नियोलिथिक एज में ये सारी चीज़ें हुई थी। एक्सेल का इन्वेंशन हुआ था, पॉटरी का, फार्मिंग और हर्डिंग स्टार्ट हुई थी। 8th क्वेश्चन, मेहरगढ़ विच वन ऑफ द अर्लीस्ट, वेयर वन ऑफ द अर्लीस्ट ह्यूमन सेटलमेंट्स एग्जिस्टेड इज लोकेटेड इन। मेहरगढ़, जहाँ पे ये माना जाता है कि सबसे पहले ह्यूमन्स वहीं सेटल हुए थे, वो कहाँ पर लोकेटेड है? पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान या इराक। आंसर है पाकिस्तान। अब हम कुछ ब्रेन बूस्टर्स देखते हैं कि आप इन्हें फिल कर पाते हैं या नहीं। द डैश वॉज द फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड। सबसे पहला एनिमल जिसे डोमेस्टिकेट किया गया। अगर आप मेरी हिस्ट्री की वीडियो देखेंगे जिसमें मैंने हिस्ट्री के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड चैप्टर्स के एमसीक्यू ऑलरेडी डाल रखे हैं, तो उनमें ये क्वेश्चन एमसीक्यू की फॉर्म में है, तो उस वीडियो को भी आप एक बार ज़रूर देखें। तो फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड वॉज डॉग। दाऊजी हार्डिंग, एन इम्पॉर्टेंट न्योलिथिक साइट इन। दाऊजी हार्डिंग एक इम्पोर्टेंट न्योलिथिक साइट थी, और वो कहाँ थी? आसाम में।
मतलब अब के आसाम में दाऊजी हादिंग है। द ऑब्जेक्ट्स दैट ह्यूमन मेड इन पास्ट सच एज पॉटरी टूल्स एंड ऑर्नामेंट्स आर कॉल्ड आर्टिफैक्ट्स। तो इसका इसमें सॉरी पहले से आंसर डैश लगाना भूल गई मैं, तो आंसर है आर्टिफैक्ट्स। मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीव्स एंड बार्क ऑफ डैश ट्री। जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हमें पास्ट लाइफ के मिले हैं वो पाम लीव्स पर लिखे जाते थे या फिर बार्क पर लिखे जाते थे। तो जो बार्क थी वो किस ट्री की थी, उसका नाम क्या था? बर्च। और ये हिमालय पे मिलते हैं इसके पेड़। द स्टडी ऑफ इंक्रिप्शंस इज कॉल्ड। इंक्रिप्शंस की स्टडी को क्या कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एपीग्राफी। ड्यूरिंग द डैश पीरियड पीपल स्टार्टेड बिल्डिंग हाउसेस विद स्टिक्स ट्विग्स एंड मड। इस टाइम पीरियड में लोगों ने अपने घर स्टिक्स ट्विग्स और मड के बनाने स्टार्ट किए थे, मीन्स झोपड़ी टाइप घर। आंसर मेजोलिथिक पीरियड। स्टोन टूल्स ऑफ मेजोलिथिक एज आर कॉल्ड। मेजोलिथिक एज के जो स्टोन टूल्स हैं उन्हें क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ मीन्स जो स्टोन एज थे मेजोलिथिक पीरियड में जो टूल्स बनाए जाते थे उसमें रॉक का एक छोटा सा पोर्शन यूज़ किया जाता था और उसे किसी भी वुड के साथ अटैच कर दिया जाता था, मतलब वो फुली रॉक्स के नहीं बने होते थे। डैश इन मध्य प्रदेश इज़ फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग। तो अगर लोग केव में रहेंगे तभी उसमें रहते रहते वो पेंटिंग्स बनाते होंगे। तो पीछे जो हमने क्वेश्चन देखा था कि रॉक शेल्टर्स कहाँ मिले हैं, उसका आंसर था भीमबेटका। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, तो सेम वही आंसर इसका भी है, भीमबेटका, क्योंकि वो केव्स में रहते थे और वहाँ पर वो केव्स में पेंटिंग भी बनाते थे। अगर ये आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई सजेशंस हो तो